तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के तकरीबन कुछ 7:30 बजे रहा, मैं तकरीबन कुछ 6 बजे उठा था। अभी हम लोग तकरीबन 9848 फीट पे हम लोग ऊपर पे, इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। यहाँ से कंचन जगह जो कि यहाँ ये मैं बैठने से कहेंगे कि फ़ोन भी चार्ज नहीं है, आई थिंक 40% पावर चार्ज है। कुछ ये वाला ग्लेशियर दिख रहा है, ये वाला ग्लेशियर पे यहाँ पे कंचन जगह है वो वाला। So, फिर निकलते और यहाँ जो एल्टीट्यूड है मैं दिखाता हूँ, मतलब कितना ज़्यादा दिखा हुआ है। अबव माउंटेन टेम्पर्स 418 RMPL, एल्टीट्यूड 9842 फीट। इस गीत की अंतिम चार पंक्तियाँ, अगर आप सबका भरपूर समर्थन ना मिले ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है अगर कोई नई बात कहने की कोशिश की हो। आप सबने राम से प्रश्न किए कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन आपको पता होगा सीता जी अग्नि परीक्षा से जलकर नहीं वो सुरक्षित लौटी थी। होलिका जिसको न जलने का वरदान था वो भी जल गई थी, लेकिन सीता जी अग्नि परीक्षा में जली नहीं थी। क्या रहा आपके प्रश्नों का उत्तर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो क्या देखे गए सुनिएगा। ये चार पंक्तियां गीत की है, सुनिएगा। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, जल में जल गए राम, जल समाधि ले लिए थे ना। Thank you.
से अभी तकरीबन कुछ 12-1 बज रहा होगा और यहाँ पे अभी हम जब जीरो पॉइंट पे और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस अप्रोक्स 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना भैया का, तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग वहाँ से क्रॉस करके आए थे, हम लोग का गाड़ी कुछ एग्जैक्टली वहाँ पे आई थिंक रुका हुआ है और वहाँ से हम ट्रैक करते हुए पता है यहाँ पे हम क्रॉस किया, क्रॉस करते ही भैया का वहाँ पे मतलब पैर ऊपर आइस रहता है, अंदर पानी रहता है, अंदर में पता नहीं चलता है, एक पैर मेरा अंदर चला गया, पैर के अंदर पानी, शूज के अंदर पानी, शौक गया मेरे दिल में से भी हम काफ़ी मस्त है। और कैसा लगा भाई, सिस्टम आएगा इनका तो पैर वैर सब भीजा हुआ है और जींस जींस में सब उनका भीग चुका है, वो सब सॉक्स वॉक्स पूरा। और यहाँ पे भीगने का मतलब आप माइनस टेम्परेचर पे पैंट वैंट भीगना और यहाँ पे मतलब पैर फूक के रखना पड़ रहा है, एग्जैक्टली एक पैर रखने के बाद दूसरे पैर को होल्ड करना पड़ रहा है ये घुसे ना, क्योंकि दो बार मेरा भी पैर घुस जा चुका है। आइए भैया, कंटिन्यूसली बैटरी का इतना ज़्यादा चार्ज खत्म हो रहा है ना, और मैंने फ़ोन का तकरीबन कुछ तो चार्जिंग का परसों ही चार्ज किया था, उसके बाद पावर बैंक लेके आया, पैर धस गया मेरा, पावर बैंक लेके आया मैंने तकरीबन 10,000 mAh का पावर बैंक है, तो मैं सोचा कि अब मेरा फ़ोन का मेरा बैटरी तकरीबन कुछ 4,000 का, भैया का फ़ोन 4,000 का 8,000, अब 2,000 बैटरी ऐसे ही जाएगा, कोई नहीं। भैया का फ़ोन चार्ज किया और गया, भैया का फ़ोन में ही सारा बैटरी पावर बैंक का ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं अपने फ़ोन से ये ब्लॉग नहीं कर पा रहा, ये दूसरे मतलब रेडमी फ़ोन में, भैया के पास तो ऑल्टरनेटिव बहुत 3-4 फ़ोन रहता ही, और उसका भैया का जो सैमसंग वाला फ़ोन था जो चार्ज किया वो भी ख़त्म हो जा चुका है, क्योंकि डेड हो चुका है, चार्ज ख़त्म हुआ ना डेड हुआ पता नहीं। अभी हम लोग दिखाओ कैसा लगता है, देखिए ऐसा लगता है पैर, यू कैन सी, बाप रे डर लगता है कि मैं पूरा घुस गया तो सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से जो मैंने मार्क्स लिया था वो मार्क्स भी पता नहीं कहाँ गुम हो जा चुका है, वैसे पत्थर तक चलते हैं उसके बाद फिर यहाँ से उतर जाएंगे। टोपी का जरूरत तो गोलू का नहीं था लेकिन ऊपर से टोपी वगैरह में मैंने परचेज किया हुआ है। एक एक कदम फूकना पड़ेगा, घुसा तो जाए पूरा तो नहीं घुसूंगा, इतना तो फंस जाऊंगा, पूरा घुस जाओगे, घुस गया तो मरूंगा, आएगा यहाँ बंदा हेल्पिंग का है। अरे तो मैं घुसूंगा तो अंदर पानी है ना, मैं अंदर से ही बह जाऊंगा, नहीं आएगा हेल्पिंग का। तकरीबन कुछ हम लोगों ने गाड़ी से ट्रैकिंग किया ना, तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, लेकिन 3-3 ब्रेकफास्ट में था, ब्रेड था तो पेट वेट कुछ भी नहीं भरा हुआ, वैसे भी कल के बाद वैसे वोमिटिंग अभी तक नहीं हुआ है, एक चीज़ तो बढ़िया है। हम लोग तकरीबन कुछ शेयरिंग में गाड़ी बुक किया था, उसमें तकरीबन हम लोग कुछ 8 बंदे जिसमें से 3 बिहारी 5 बंगाली और 1 नेपाली, ये है हम 3 बिहारी है, ये है शिवम भैया, राहुल भैया, रवीश भैया, ये भैया ये आसाम से बोगाएंगे उससे, और ये भैया भैया और भी भैया हैं वो रहे बैठे हुए एक भैया, ये आई इनको तो पहचानते हैं विकास भूमि राहुल जयकर ना, नाउ आस्क समवन टू क्लिक अ ग्रुप इमेज, यू कैन टेक आल्सो बाय दिस इफ यू वांट, ओनली यही बच गया, बाकी मेरा फोन तो गया, आई हैव नो इशू, सो वी आर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट वी आर फ्रॉम बिहार, 0.0 point, यू ऑलवेज सेव अ रिजर्व पुटर, सेम डे वी विल मूव टू बैक टू गैंगटॉक, देन टुमारो वी विल गो टू लाचुंग, ईस्ट सिक्किम, या या इन जनरली बाबा हरभजन जी का जो मंदिर है वहाँ काफ़ी फेमस है, हम गए जा चुके हैं वहाँ, अच्छा लगेगा सबको वहाँ जाके, हम भी चलेंगे, बेचारे को बार बार ऐसा कोई नहीं है, मेरे से ग्लव्स हट ही नहीं रहे, मेरे को मन ही नहीं कर रहा हटाने का, शायद आपको ग्लव्स पहनने का जरूरी है तो सीधे ग्लव्स है, देखो देख के सब है ना इधर, हाँ ए भाई सबको ही घूम जाओ एक बार,
मुझे ना शायद वहाँ से जैकेट लेना चाहिए था। कहाँ से जैकेट लेना? क्योंकि बहुत से लीटर इतना ठंडी नहीं है जैकेट। सबसे ज़्यादा अच्छा जैकेट आप ही पहने हो। थोड़ी देर मजा लेते हैं बिना मोबाइल के, क्योंकि तब से मोबाइल से हम लोग मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बट रियल मेमोरीज नहीं बना रहे। कल हो ना हो गाइस, आई डोंट नो ये ग्लास कितना अच्छा लग रहा है, बट मुझे तो सच मतलब मैं देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस इसका बहुत लो करके रखा हूँ ताकि बैटरी कम ड्रेन हो और थोड़ा देर तक टिके रहे। बट गाड़ी में मेरा ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन लेवल थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट अभी थोड़ा ठीक है। ऊपर मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है, पता है मैंने एक हाथ में ग्लव्स खोल के रख दिया इस हाथ से। बहुत ज़्यादा पानी है, मुझे तो बहुत सख्ती बढ़ते हुए मुझे उतरना पड़ेगा, क्योंकि नीचे देखो ना पूरा ब्लू ब्लू पूरा डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है उसमें से। इसलिए जिस तरफ से पैर है ठोस है उसी तरफ से उतरो, बेटर वही होगा। मेरा तो पूरा पैंट भिजा हुआ है, मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ कितना ठंडा लग रहा है, बट पैर भिजा हुआ है उसमें और ज़्यादा ठंडा लगेगा। बोलिए एक मैसेज मेरा विकास भाईजान के लिए और प्रशांत जी के लिए और टकलू के लिए, मेरा प्यारा सबसे प्यारा है मेरा टकलू। टकलू बात नहीं कर पा रहे, होंठ ऐसा जम रहा है, हाथ जम रहा है, पैर अंदर ऊपर बॉर्डर नीचे पानी है, फिर भी आई लव यू टकलू और आई लव यू अजीत, सबको मिस कर रहे हैं हम। अजीत और टकलू को लेकर विकास को प्रशांत को लेकर फिर आएंगे, जब बहुत जल्द आएंगे, देख के चलिए आगे आगे। कल जैसे कल 3 उल्टी हो गया, खाना खाया ठीक था, फिर होटल में रुकने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना था और हम लोग पहुँचे थे रात के 8 बजे। 8 बजे के टाइम पे तकरीबन हम लोग को 10 बजे खाना मिला, 10 बजे खाना खाया, तकरीबन सोते सोते 12 बज गया। 12 बजने के बाद भी सुबह 5 बजे उठना और इतना 2-3 दिन से कम सोते सोते ना माइंड भी क्रैश हो, आँख तो पूरा एकदम क्या बता एकदम छोटा सा हो गया है, आँख बोलना मुश्किल हो रहा है मुझसे, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। ब्लॉग शायद तो प्रॉब्लम, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट ठीक है। देखिए भाई ऐसे ओके हम आ गए थे, उसके बाद चलो आइए ये शॉर्ट डिस्टेंस इस पर आइए। इसको पढ़ती हूँ इस पर पैर स्लिप करेगा, इस पर आइए, इसे पैर रख सकेंगे आप? हाँ। इसको इस पर रखिए, आइए इस पर रखिए, उसके बाद इस पर रखिएगा, इस पर ऐसे रखिए, आइए आइए आइए।
सेटिस्फेक्शन चाहिए तो पछतावे पे मत जाइए। शाम के देखे 4:45 बजे कल हम लोग वहाँ से आ जा चुका था। मेरे को इतना ज्यादा वोमिटिंग हुआ ना आते वक्त, मतलब 6 बार मैंने उल्टी करा पूरे में। बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मतलब मुझे गाड़ी का ड्राइवर होता नहीं है बट सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अभी फिलहाल मतलब सुबह वहाँ से आने के बाद ऐसे कि 0 डिग्री पे भैया का वहाँ पे पैर घुस गया था। वहाँ पे इतना ज्यादा ठंडी था ना, मतलब बहुत -10 डिग्री जैसे मैं बोल गया था उतना वहाँ पे ठंडा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद कुछ चना वगैरह वहाँ पे खाया, फिर गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे से गलत ऐसा हो रहा है ना, मैं जो भी खाया, मैं पॉपकॉर्न खाया, चना खाया, सारा का सारा निकल गया। फिर मैंने संतरा वगैरह खाया वो सब भी निकाला, मतलब मैं खा भी यहीं से रहा हूँ और निकाल भी यहीं से रहा हूँ। उसका भी पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रहा, मतलब सबसे ज़्यादा उल्टी मैंने किया था। देखते देखते फिर एक और भैया को भी उसकी वजह से उल्टी होने लगा। जैसे कि हम लोग गए थे लाचुंग, अगर लाचिंग गए थे, अगर लाचुंग नहीं लाचुंग या लाचिंग गए थे, अगर उस एक और जगह पर अगर जाते तो वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था ना। तो वहाँ पर जाके वहाँ का रोड भी ठीक नहीं था और ऊपर जो इधर उधर करते करते और ज़्यादा मेरे को तबीयत ख़राब हो जाता, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। लेकिन अभी हम लोग जाने वाले थे बाबा हरदेव सिंह किसी जगह था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी हम नहीं गए क्योंकि उधर जाने का रास्ता, मतलब भैया का कल ड्यूटी ज्वाइन करना है इसलिए हम लोग के पास टाइम भी कम है, तो हम लोग निकलना पड़ेगा। फिर कभी अगर आता है तो ठीक है, क्योंकि सिलीगुड़ी से यहाँ आने में सिर्फ 3 घंटा लगता है और मेरे घर से सिलीगुड़ी जाने में तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटा उधर लगते हैं, और यहाँ से फिर गैंगटॉक से वहाँ तक जाने में तकरीबन, फिर तो गाड़ी का पूरा ट्रैवल रहता है। क्योंकि 2 दिन तक मैंने गाड़ी में बैठा, मतलब पहली बार मैंने इतना गाड़ी का इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल किया है। फिलहाल तो अभी हम मैं हूँ बस स्टैंड, सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ का बस स्टैंड का कैसा लेयर बना हुआ है पूरा ऐसा, यहाँ पे मतलब हर एक फ्लोर पे एक एक बस करके रखा हुआ है, फिर कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है। सो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह उठ के तकरीबन सुबह 11 बजे उठे थे, और उठने के बाद फिर थोड़ा सा गैंगटॉक जो एमजी रोड था वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा, कुछ घर पे ले कुछ लिया नहीं था, कुछ मैं सोचा ले लेते हैं कुछ यहाँ का याद रहेगा, तो वो लेके अभी फ़िलहाल तो निकल रहे क्योंकि भैया तो मस्त गुस्सा हुए बड़े पता नहीं किस लिए गुस्सा हुए बड़े मुझे पता नहीं, बट मैं यहाँ पे आया था फिलहाल ऊपर से नीचे इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगा था, क्योंकि सुबह मैगी खाया था सिर्फ 12 बजे और अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, और हम अभी अगर निकल रहे तो 8 बजे पहुँचेंगे, फिर भैया का कल सुबह ड्यूटी 8 बजे, तो 3 घंटा आई थिंक इधर से 8 बजे पहुँचेंगे, और वहाँ से तकरीबन अगर कोई ट्रेन मिलता तो ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। यहाँ तक तो ट्रैवल तो बहुत मज़ा आया, जहाँ तक जाना था वहाँ का तो रास्ता भी ख़राब है, वहाँ तो जा नहीं सकते, बाकी चलो ठीक है। अभी बस गाड़ी बुला रहे, मतलब वहाँ आ रहा है तो निकलना पड़ेगा। सो बाय।